नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अरुण कोबरा सेवर में। और कल नाइट में जो है कि हमारे बैरक में एक इंडियन कॉमन करेज जो है कि आ गया था और हमारे एक जवान ने इसको किसी तरह से लाठी से डब्बे में बंद करके रख दिया। और अभी मुझे मैसेज मिला, मैं इसे रिलीज़ करने के लिए आ गया हूँ। और यही वो सांप है जो हमेशा रात को निकलता है। कोबरा से 4-5 गुना ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ऐसे शांत स्वभाव का सांप होता है, मगर यही सांप है जो कि रात को निकलता है और हमारे बिस्तर में जो है कि घुस करके हमें बाइट करके निकल जाता है। और इसका हमें जो है कि पता तब चलता है जब काफ़ी देर हो चुका होता है। साइलेंट किलर भी इसी को बोलते हैं, जिसमें हमें पता नहीं चलता है। देख सकते हैं, दिखाओ थोड़ा पास लाकर दिखाओ। इसकी पहचान देख लीजिए, पूरी बॉडी इसकी काली होती है और उस पर सफ़ेद रंग की लाइनिंग होती है। इसी को इंडियन कॉमन करेत कहते हैं या हिंदी भाषा में करेत कहते हैं। कैसे ये देखिए, अभी हम इसे रिलीज कर देते हैं ताकि ये अपना जो है कि इस जगह में जो है कि ये गया हमारा। थोड़ा जूम करके दिखाना, ये देख सकते हैं ये हमारा कैसे ये फंस रहा है। इंडियन कॉमन करेत बहुत ही जहरीला सांप होता है, ये भारत देश का सबसे जहरीला सांप है। चलिए इसे हम रिलीज कर देते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देख सकते हैं कैसे ये धूप की रोशनी और उजाले से बचने के लिए जो है कि अंधेरे में जाना चाह रहा है, छुपना चाह रहा है। दोस्तों, इस सांप को दिन के उजाले और धूप वगैरह से जो एलर्जी होती है, इसलिए दिन में हमेशा छुपा हुआ रहता है और जैसे ही शाम ढलती है, अंधेरा होता है, ये निकलना शुरू कर देता है और अपना शिकार करने के बाद जो है कि ये थकावट महसूस करता है और उसको एनर्जी लेने के लिए जो है कि ये हमारे घरों में जो है कि गर्माहट लेने के लिए हमारे बिस्तर में घुसता है और फिर वो चुपके से बाइट करके निकल जाता है। अरे इधर ही आ रहा है, वो अभी छुप जाएगा, उसमें जब चला जाएगा वो पत्थरों में छुप जाएगा। सांप से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल अरुण कोबरा सेवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और स्नेक को रेस्क्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।